सो गाइस, हमने यहाँ पे स्विमिंग पूल मंगाया था हमारा के लिए, ताकि वो वाटर स्प्लैश कर सके. अमेज़ॉन से ऑनलाइन मंगाया और ये थोड़ी देर फूला और उसके बाद ये पिचक गया, ये डिफेक्टिव पीस निकला. गाइस बहुत कोशिश की लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ये शायद डिफेक्टिव पीस है. एक बार ये फूलने के बाद हवा निकल जा रही है इसकी. अमायरा आपका स्विमिंग पूल बेचारी पूल में बैठ गई है लेकिन ये पूल फूल ही नहीं रहा है, क्या करें आप. लेकिन आज तो हमारे को स्विमिंग पूल के मजे दिला के रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें रियल के स्विमिंग पूल में ही क्यों ना जाना पड़े. क्या करें आप बताओ, क्या करें. हमारे के लिए मम्मा इसको करो ना कुछ. और ये हमारा ने इसको अपना घर बना लिया गाइस. ये देखो हमारा का छोटी सा घर. यस हमारा प्ले करती है घर घर. रेडी है एंड हमारा का डायपर बैग वहां रखा है, उसके अंदर भी सारी चीजें रख दी हैं. हमारे का स्विमिंग कॉस्ट्यूम जो मंगवाया था मैंने अमेज़न से आपको दिखाया था, मम्मा ने अपना भी स्विमिंग कॉस्ट्यूम मंगवाया है. एंड वैसे तो हमारा स्विमिंग करेगी, कोच से बात कर ली है, उन्होंने बोला है कि बेबी को स्विमिंग सिखा सकते हैं. और अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी अंदर कूद जाऊंगी, अगर जरूरत पड़ी तो. मेरा मन तो स्विमिंग का है नहीं, मैं चाहती हूँ हमारे को देखो मैं स्विम करते हुए, लेट्स सी मैं कर पाती हूँ या नहीं. बट हम रेडी हैं एंड हम फटाफट भाग रहे हैं, सुबह सुबह निकल रहे हैं स्विमिंग करने. सो लेट्स गो ऑस्ट्रेलिया, चलो चलते हैं. सो गाइज दैट वॉज फर्स्ट डे जब मैं अमायरा को लेके गई थी स्विमिंग पूल में. वो बहुत कन्फ्यूज थी, उसे मज़ा भी आ रहा था, उसको डर भी लग रहा था, वो नर्वस भी हो रही थी. बट पानी में अमायरा को खेलना बहुत पसंद है, वो खेलना भी चाह रही थी. सो मैंने सोचा उसको दोबारा लेके जाने के लिए. सो सेकेंड डे में उसको दोबारा से लेके गई थी, तो मैं सेकेंड डे की फुटेज भी यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ. सो ये देखो हमारे माथे में बिंदी लगी हुई है, सेकेंड डे पे हमने बिंदियाँ लगाई थी. सो यहाँ हमारा बहुत इन्जॉय करी, मतलब ये वीडियो एडिट करते टाइम भी मेरे फेस पे बहुत बड़ी सी स्माइल आ गई ये देख करके कि भाई कितनी खुश लग रही है हमारा. शी वॉज सो 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 एक्साइटेड एंड हैप्पी एंड मुझे भी बहुत मज़ा आया हमारा के साथ. एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि मैं डेली हमारा के साथ जाऊँ. पॉसिबल तो नहीं है बट मैं कोशिश करूँगी, मैं जाऊँ या उसके पापा लेकर के जाएंगे एंड उसको बहुत मज़ा आने वाला है. सो वाओ, बच्चों को पानी में कितना अच्छा लगता है ना. और आई एम श्योर ये वीडियो देख करके आप लोग का मन कर रहा होगा अभी कि चलो हम भी स्विमिंग पूल में चलते हैं या पानी में चलते हैं. देख करके मेरा बहुत मन हो रहा है. आपको मन हो रहा है या नहीं कॉमेंट करके ज़रूर बताना. स्विमिंग करके आ गए एंड बहुत मज़ा आया. ये फर्स्ट टाइम था हमारा का जब उसने स्विमिंग किया मेरे साथ. अभी वो थक कर के सो रही है, कितनी गहरी नींद में गया मेरा बच्चा.
ने देखी एक वीडियो जिसके अंदर 8 महीने की बेबी को स्विमिंग सिखा रहे थे। मुझे लगा इतने छोटे बच्चे को सिखा सकते हैं क्या। फिर मैंने इसके बारे में और रिसर्च की तो मुझे पता चला था उससे फ्रेंडली होंगे, वाटर स्प्लैश करेंगे। वैसे भी जब बच्चे पेट में होते हैं, माँ के गर्भ में होते हैं, तो वो पानी के अंदर ही होते हैं, तो बच्चे फैमिलियर होते हैं वाटर से और उनको अच्छा लगता है। सो मुझे भी लगा हमारा फैमिलियर रहेगी, उसको मज़ा आएगा और वो इन्जॉय कर रही थी। हाँ फर्स्ट टाइम था इसलिए मैंने पूरा सर हमारा का पानी में नहीं डाला, और वो तो कोच ही अच्छे से बता पाएंगे। सो कोच तो आज छुट्टी पे थे, तो जितना रिसर्च मैंने किया था, जितना मुझे समझ आया कि जो जो लेसन्स फर्स्ट डे पे देने चाहिए, जो स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, उसके हिसाब से मैंने किया। एंड येस वी हैड ग्रेट ग्रेट फन। मायरा देखो आपकी कार पेंट हो गई है, वो वाली कार वापस पेंट पड़ी। इट वाज जस्ट नॉट गुड, ये बहुत स्मूथ लग रहा है, बहुत स्मूथ है गाइस। एक एक से तीन साल के बच्चे के लिए ये वाओ मायरा, चलो 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 चलते। यहाँ पे मैंने रिसीव किया है मिनी किचन कुकिंग, मतलब बच्चों के लिए कुकिंग का है ये। वैसे तो 3+ एज ग्रुप के लिए है, मारा के लिए नहीं मंगाया ये, मैंने मेरी वीडियो शूट के पर्पज से मंगाया है। मुझे मिनी फूड ऐसे कुक करना मुझे बहुत पसंद है। सो लेट्स ट्राई। इस वाले में कुकिंग तो नहीं होगा, इसमें सर्विंग के लिए ज़्यादा सही रहेगा। कुकिंग के लिए अलग से मैंने मंगाया, जो कि मैंने अपने शॉर्ट चैनल पे आप लोगों को दिखाया होगा, जिसमें रियल कुकिंग कर सकते हैं, जो मिनिएचर नहीं आते किचन का सारा सामान, वो मंगवाया था। सो बहुत क्यूट लग रहा है यार, कितनी क्यूट चीज़ें होती हैं बच्चों के खेलने के लिए। हमारा है जब 3 साल की हो जाएगी, संभाल के रखूँगी, तब तक वो खेलेगी। ये रोते को रोटी रखने का डब्बा है, कितना छोटा है ना। हमारा बहुत मज़े ले रही है अपनी छोटी सी कार में, बड़ी सी कार में, दोनों में घूमती है। एंड ये अच्छा है फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, मोटर स्किल अच्छे से डेवलप होगी, और वो इलेक्ट्रिक वाला पीछे वीडियोज़ वगैरह में काम आ जाएगा, या कभी कुछ अच्छी स्पेशल एंट्री हमारा की करनी हो, ऐसा कुछ वीडियो शूट करना हो, तो वहाँ पे काम आ जाएगा। देखो उतरना सीख रही है कार से, एंड अभी हमारा खा रही है, अपने हाथों से खाती है। जब मैं उसको मतलब खाना देती हूँ तो कोशिश करती हूँ खुद से ही खाए। हरिओम राधे राधे, हरिओम राधे राधे, हरिओम राधे राधे। हरी तो बोल रही है यार, गाइस सुन रहे हो आप। मायरा पहले खेलेगी, जी भर के खेलेगी, उसके बाद खाएगी, है ना मायरा। फर्स्ट यू वांट टू प्ले, यस यू वांट टू प्ले विद द फूड, यस एंड देन आई विल ईट। हेलो मैडम, मैंने कुछ अमेज़न के पार्सल्स रिसीव किए हैं। सो मैंने मंगवाई थी अमारा के लिए नाइट ड्रेस, विच इज दिस, बहुत ही क्यूट है। दिस अपर एंड दिस इज लोअर,
एंड सेम मैचिंग का मैंने प्रिंस के लिए मंगाया है एंड सेम मैचिंग अपने लिए भी मंगाया है. एंड प्रिंस का यह है वो भी सेम एग्जैक्ट है. मेरा पता नहीं कब आएगा, अभी देखो उसकी डिलीवरी थोड़ी लेट होगी तो बड़ा मजा आएगा. मैचिंग मैचिंग तीनों हम पहनेंगे एंड बहुत ही क्यूट अमारा के बैग्स मैंने ये ऑर्डर किए हैं. ऑल्दो ये मैं भी यूज करूंगी बट हाँ अमारा को ना ऐसे पर्स होल्ड करना आपने देखा होगा कई वीडियोस में वो होल्ड करके चलती है. ऐसा नहीं है कि मैं उसको देती हूँ बटन ले होल्ड कर, वो खुद से भी चीजें उठाती है. बच्चों को क्या होता है उनको ना कुछ भी टच और फील करने में अच्छा लगता है तो वो ग्रिप बड़ी अच्छी बना लेते हैं चीजों की. तो आपने देखा होगा मेरे बैग्स वगैरह वो कैसे कैरी करती है. सो ये मैंने उसके लिए मंगाया है. शी विल लव इट. ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना ये. हम माँ बेटी हम दोनों यूज करने वाले. मेरी बेटी तो अभी से मेरी चीजें यूज कर रही है. ये देखो तो ट्रांसपेरेंट बैग है, इतना प्यारा लग रहा है यार. तीनों पर्स लेके भाग गई मम्मा के. तीनों पर्स के साथ है. तीन तीन पर्स लेके चल रही है लड़की. बेटा एक तो दे दो. हाँ सीधा दरवाजे के बाहर जा रही है. इसको पता है पर्स लेके दरवाजे के बाहर जाते हैं. अरे क्या कौन सा अच्छा लगा.